के विरोध में हम लोग लाखों लाख संख्या में पुरुष और महिला शिक्षक शिक्षिका यहां उपस्थित हुए हैं। के पाठक रोज नया एक तुगलकी फरमान जारी कर शिक्षकों का भया दोहन कर रहे हैं। हम या जब नीतीश कुमार ने कहा था कि एक छोटी सी परीक्षा लेंगे तो ऑफलाइन के बदला ऑनलाइन शुरू कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब हम बताते हैं, हमको आयोग कहता है बीपीएससी की परीक्षा लेना हो तो नियोजित शिक्षक बिया परीक्षा जब लिए थे सभी शिक्षक पास हो गए थे, फिर सक्षमता परीक्षा किस बात का? जब आप परीक्षा लेते हैं तो कलेक्टर एसपी डीएसपी डीआईजी डीआईजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जितने भी है सबका जो 40 वर्ष नौकरी कर लिया सबका भी तो परीक्षा लीजिए, फिर उसमें पास करेगा तो सबको नौकरी हटाइए, सिर्फ शिक्षकें पर क्यों लागू होगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सक्षमता परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए, जो जहाँ है उसको वहीं पर रहने दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। एग्जाम का परीक्षा फल देखिए, इंटर का परीक्षा फल देखिए, वो बहुत बेहतर जा रहा है। तो सरकार को अगर नींद में है तो सरकार जग जाए कि वो इन्हीं शिक्षकों की देन है और इन्हीं शिक्षकों के भरोसे ये बिहार के बच्चे आगे जा रहे हैं। तुम कहते हो शिक्षक सक्षम नहीं है, क्या बताओ इन 20 वर्षों में हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने नौकरियाँ नहीं की? हर जगह बच्चे हमारे नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। देखिए गर्दनी वक्त धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बैनर लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं। हम सबसे पहले बातें करेंगे कि बैनर से तो लग रहा है कि बेगूसराय से आए, बेगूसराय का क्या कारण है? हम लोग राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए हम यहाँ पटना की धरती पर लाखों लाख की संख्या में जुटे हुए। यह जो अन्याय हो रहा है, यह तुगलकी फरमान हो रहा है कि तीन बार आप सक्षमता परीक्षा दीजिए और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा उसको हम बर्खास्त कर देंगे, उसको हटा देंगे नौकरी से। यह सबसे बड़ा गैर कानूनी और तुगलकी फरमान है। इसके विरोध में हम लोग लाखों लाख संख्या में पुरुष और महिला शिक्षक शिक्षिका यहाँ उपस्थित हुए हैं। के पाठक रोज नया एक तुगलकी फरमान जारी कर शिक्षकों का भया दोहन कर रहे हैं। हम या जब नीतीश कुमार ने कहा था कि एक छोटी सी परीक्षा लेंगे तो ऑफलाइन के बदला ऑनलाइन शुरू कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब हम बताते हैं, हमको आयोग कहता है बीपीएससी की परीक्षा लेना हो तो नियोजित शिक्षक, बीएलओ का काम करना हो तो नियोजित शिक्षक, जाति जनगणना करना हो जिस पर पीठ थपथपा रहा है सरकार वह नियोजित शिक्षक। काम सारे लेते हैं, सारे काम हमसे लेते हैं, उस वक्त हम सक्षम हो जाते हैं और जब काम खत्म हो जाता है उनका तो हम अक्षम हो जाते हैं। देने की बारी आती है तो उनको पता भी नहीं चलता नियोजित शिक्षक भी कुछ है, कुछ है उनको वह मान राजकर्मी का दर्जा देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? जबकि हम 21 साल हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं, 2003 से हम लोग सीटेट किए हैं, टीईटी किए हैं, बीएड किए हैं और दक्षता पास किए हैं, उसके बाद हमको जॉब मिला है और उसके बाद फिर एक सक्षमता। या कब तक लोग परीक्षा देता रहेगा? जो 1-5 में शिक्षक है उसको TRE-2 का सिलेबस देना कहाँ तक न्याय संगत? यह हो रहा है कि जो मन हो हम करेंगे, पावर के नशे में धुत हैं, जो मन होगा करेंगे। कभी नियोजित शिक्षकों को 9 से 5 आना होगा, कभी होता है छुट्टी रद्द हो गया, कभी यदि दुर्गा पूजा बंद हो गया, क्या हो रहा है? लगता लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हो गया, हिटलर शाही हो गए। इसी के विरोध में यहाँ लाखों की संख्या में शिक्षक यहाँ जुटे हुए। अच्छा, मांग क्या है आपकी? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है सक्षमता परीक्षा को समाप्त किया जाए और जो जहाँ टीचर उसको रहने दिया जाए। हम कहते हैं जो 10 वर्ष तक टीचर काम कर लिया, 30 वर्ष तक काम कर लिया, 40 वर्ष तक काम कर लिया और उसको आप कहते हैं परीक्षा देने के लिए, दक्षता परीक्षा जब लिए थे सभी शिक्षक पास हो गए थे, फिर सक्षमता परीक्षा किस बात का? जब आप परीक्षा लेते हैं तो कलेक्टर एसपी डीएसपी डीआईजी डीआईजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जितने भी है सबका जो 40 वर्ष नौकरी कर लिया सबका भी तो परीक्षा लीजिए, फिर उसमें पास करेगा तो सबको नौकरी हटाइए, सिर्फ शिक्षकें पर क्यों लागू होगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सक्षमता परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए, जो जहाँ है उसको वहीं पर रहने दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। आज धरना स्थल पर पहली बार आए कि इसके पहले भी आप लोगों ने मांग? लगातार हम लोग का मांग है, अभी लाखों की संख्या में आए, अभी तो अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई होगा। अभी आंदोलन हुआ क्या है, अभी तो स्टार्ट किया हुए हम लोग। जाने का इरादा है आपका इसका, क्योंकि अभी विधानसभा में भी अगर हमारी बात नहीं मानेगी सरकार तो हम विधानसभा के अंदर तक जाएंगे, अंदर तक जाएंगे और लाठीचार्ज भी हो सकती है। हाँ, उसके बाद लाठी, हम जो हमारी नौकरी हमारे अस्तित्व खतरे में है तो लाठीचार्ज क्या बात होती है? जब नौकरी से आप हटाने का फरमान जारी कर सकते हैं तो लोग कहाँ जाएंगे? 20 साल 22 साल नौकरी करने के बाद कहेगा जो आप नौकरी हट गए, कोई तमाशा है, गुड्डा गुड्डी का खेल है। अगर अभी बात सरकार नहीं मानती है तो क्षेत्र में जितने भी मंत्री जाएंगे विधायक जाएंगे उनका घेराव किया जाएगा, उनको हम नहीं जाने देंगे।
ठीक है, आइए इनसे बात। अच्छा क्या कहिएगा आप, बहुत दूर से चल कर आए हैं अपने फरमान को लेकर, यहाँ पर विधानसभा सत्र भी चल रहा है और वहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल आपने चुना। बिल्कुल, गर्दनी बाग ही धरना स्थल सरकार के द्वारा तय किया गया है, और जब जब लोकतंत्र में लोकतंत्र के सिपह सालारों की हत्या की जाती है तो वो लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आते हैं, और उसी के तहत ये 20-22 वर्षों से जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं, आज शिक्षक अपनी मांग के लिए कि लगातार तुम नई नई बहालियाँ करते जाओ और पुराने लोगों को कहो कि तुम पुनः परीक्षा देते रहो, ये कैसा अन्याय है। इसलिए हम लोग राज्यकर्मी के दर्जे के लिए बिना शर्त राज्यकर्मी, हम पर सक्षमता परीक्षा मत थोपा जाए, हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, चूँकि हमने 21 वर्षों से इस बिहार के शिक्षा को सींचा है। आप अपनी पीठ को जब थपथपाते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम का परीक्षा फल देखिए, इंटर का परीक्षा फल देखिए, वो बहुत बेहतर जा रहा है, तो सरकार को अगर नींद में है तो सरकार जग जाए कि वो इन्हीं शिक्षकों की देन है और इन्हीं शिक्षकों के भरोसे ये बिहार के बच्चे आगे जा रहे हैं। तुम कहते हो शिक्षक सक्षम नहीं है, क्या बताओ इन 20 वर्षों में हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों ने नौकरियाँ नहीं की? हर जगह बच्चे हमारे नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों बार बार हम पर, हमने दक्षता परीक्षा दी, TET का दिया, तो अब हम सक्षमता परीक्षा क्यों दें? तुम अपना नियम बदलते हो और बार बार विभिन्न विभागों में देखो, तुम्हें देख लो, अगर हमारे जो पाठक जी हैं कह रहे हैं कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी है, वो UPSC करके आए हैं, उनसे UPSC का एग्जाम ले लिया जाए, वो पास करके बता दें, हम लोग भी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए 20-21 साल से हम कार्यरत हैं। कैसे आप कार्य ले रहे हैं? और सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण, आज नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जातिगत जनगणना कर दिया, वो जनगणना किसने किया, उस कार्य को किसने पूरा किया? इन्हीं शिक्षकों ने पूरा किया और जोश और जज्बे के साथ पूरा किया, जिस पर सरकार आज अपनी पीठ थपथपा रही है, तो फिर ये असक्षम कहाँ है? इन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकार से हमारी यही मांग। आप देख सकते हैं राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है, और बेगूसराय से शिक्षक चलकर आए हैं, और आप देख सकते हैं भीड़ अभी तमाम लगी हुई है, गर्दनी बाग धरना स्थल पर यही सक्षम मौजूद है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते हैं। धन्यवाद।